हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं हेमंत कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमंत फॉर यू में। तो फ्रेंड, अगर आप भी इंस्टाग्राम रील्स पे वीडियो अपलोड करते हो तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। आज का वीडियो मैं आप लोगों को डेडिकेट करने वाला हूं। फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता चाहूँ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने खुद के वीडियो को इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता चाहूँ आप लोगों में से काफी लोगों का मेरे पास कॉमन क्वेश्चन आता था, इस पे प्लीज एक वीडियो बना दो। तो मुझे लगा काफी लोगों का कॉमन क्वेश्चन है तो इस पे एक वीडियो बना देना चाहिए। तो फ्रेंड, इसी के बारे में स्टूडेंट बात करने वाला हूं, जहां पे मैं आप लोग चार पॉइंट लेके आऊं जो आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जिस पे अगर आप लोग काम करते तो डेफिनेटली सी बात है जो भी आप लोगों का वीडियो से इंस्टाग्राम रील्स पे वो वायरल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसी के बारे में स्टूडियो में बात करने वाले हैं, जहां पे मैं आप लोगों को सबको डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हो हेमंत फॉर यू। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते, तो मेरी सारी अपडेट इंस्टाग्राम पे भी लाइव होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हाउ टू वायरल वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम रील्स, कैसे आप लोग अपने खुद के वीडियोस को वायरल करा सकते हो इंस्टाग्राम रील्स पे। उस चार पॉइंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जिसके लिए आप लोग यहां पे आए। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर मैं बात कर सकते पहले पॉइंट के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता चुका, सबसे पहले नंबर था यूनिक वीडियोस। अब आप लोग में काफी लोगों को मजाक लगेगा, यूनिक वीडियोस के थ्रू कैसे आप लोगों को जो भी वीडियो है वो इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता चुका, आप लोग एक्सप्लोर टैब पे चले जाना, वहां पे जाकर आप लोग देखना, वहां पे आप लोगों को कुछ ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि वहां पे वायरल हो रहे हैं। यहां पे मैं आप लोगों को बता चुका, जैसा कि आप लोगों को पता, अगर आप लोग किसी से अलग वीडियोस बना पाते, कुछ यूनिक प्रोवाइड करा पाते, तो वहां पे वो वीडियोस को वायरल होने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता, अगर आप लोग टिकटॉक यूज करते तो वहां पे भी देखते थे कि यूनिक कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा चलता था। इसलिए मैं आप लोगों को बता चुका, लोग यूनिक वीडियोस बनाते तो उनके वीडियोस को काफी ज्यादा टिकटॉक प्रमोट करता था, वो वायरल भी होती थी। वही सारी चीजें इंस्टाग्राम रील्स पे भी हो रही है। फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता चुका, अगर आप लोग यहाँ पे यूनिक वीडियोस बना पाते, दूसरे से कुछ अलग प्रोवाइड कर पाते, वो भी क्वालिटी कंटेंट में, तो यहाँ पे काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों का चांसेस बढ़ जाएगा कि आप लोगों के वीडियोस वायरल हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं बात करता हूँ कि कैसे आप लोग अपने खुद के वीडियोस को वायरल करा सकते हो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, आप लोगों को ट्राई करना है कि कैसे आप लोग यूनिक वीडियोस बना पाते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये सबसे पहले नंबर का पॉइंट था कि ये आप लोगों को ट्राई करना है कि कैसे आप लोग यूनिक वीडियोस प्रोवाइड कर पाते हो लोगों को। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, इसलिए मैं इसको एड ऑन किया कि अगर आप लोग अपने खुद के वीडियोस को वायरल करना चाहते हो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, तो आप लोगों को ये देखना होगा कि कैसे आप लोग यूनिक वीडियोस बना पाते हो। इस पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सबसे पहले नंबर का पॉइंट था जिस पे आप लोगों को काम करना। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करूं फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को बता चुका, दूसरे नंबर था हैशटैग स्ट्रेटजी। अब आप लोग में काफी सारे जो बिगनर होते हैं वो इस तरीके की गलती कर देते हैं कि जो भी आप लोग हैशटैग यूज करते हैं वहां पे उसकी जो रीच होती है वो काफी ज्यादा होती है, मतलब वॉल्यूम इसका काफी ज्यादा हाई होता है। तो इस तरीके की गलती आप लोगों को नहीं करना, मैं आप लोगों को बता चुका। आप लोग में काफी लोगों को मेरे पास कमेंट आता, मैसेज आता, काफी लोग इंस्टाग्राम में डीएम भी करके पूछते सर मैं इस तरीके की हैशटैग स्ट्रेटजी अपना रहा हूं लेकिन यहां पर मुझे रीच नहीं मिल पा रहा है। तो मैं लोगों के अकाउंट को चेक करता हूं, उनके हैशटैग स्ट्रेटजी को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हाँ यार गलती कर रहा है, तो मैं उन लोगों को समझाने की भी कोशिश करता हूं। तो मैं आप लोगों को बता चुका, इस तरीके की गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं इंस्टाग्राम रील्स हैशटैग स्ट्रेटजी के ऊपर, वो वीडियो आप लोग प्रीफर कर लेना, वहां पर आप लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को करना क्या, मेरे चैनल पर जाकर चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी चेक कर लेना, आप लोगों को बेसिक क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के हैशटैग स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। यहां पे अगर बात करूंगा तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है हैशटैग स्ट्रेटजी एक अलग टॉपिक है, इस पे बात करें तो कम से कम 24 घंटे बात कर सकते, इतना बड़ा टॉपिक है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हैशटैग स्ट्रेटजी भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप लोग अपने खुद के वीडियोस को वायरल करना चाहते हो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर। ये आप लोगों को करना, यहां पे आप लोगों का जितना भी डाउट है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता चुका, ये आप लोगों को पर्सनल लेवल पे एनालाइज करना, वो देखना होगा कि किस तरीके की चीजें आप लोगों के लिए वर्क करे, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों का अकाउंट मेरे अकाउंट से डिफरेंट है, आप लोग जो पोस्ट करते हो मेरे अकाउंट से डिफरेंट है। तो वहां पे आप लोगों के पर्सनल लेवल पे एनालाइज करना, वो देखना होगा कि किस तरीके की चीजें आप लोगों के लिए वर्क करी। ये मैं नहीं बता सकता, मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ इस तरीके की चीजें यूज करो, लेकिन जब तक आप लोगों पर्सनल लेवल पे एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप लोग सारी चीजें सीख नहीं पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता, बट वो वीडियो देखना ना, वहां पे मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल पे सब कुछ बताया, तो उस वीडियो को प्रीफर करें ना, वहां पे आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि सेकंड नंबर का पॉइंट है कि हैशटैग स्ट्रेटजी भी आप लोगों को काम करना है अगर आप लोग अपने खुद के वीडियो को इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल कराना चाहते हो। चार पांच सेट बना के रख सकते हैं, उसका आप लोग यूज कर सकते हैं, वहां पे उसके परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, सेकंड नंबर का पॉइंट है, यहां पे मैं आप लोगों को एक गलती बता देता हूं, जो काफी सारे बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेम हैशटैग को काफी बार रिपीट करते चले जाते हैं। तो इस तरीके की गलती आप लोग मत करना, अगर रिपीट यूज कर भी रहे तो ऊपर नीचे कर सकते,
करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा वहां पे आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन सेव हैशटैग आप लोग बार बार यूज मत करना। लेकिन वहां पे आप लोग स्पैमिंग के भी अकाउंट पे आ जाओगे और आप लोगों को जो भी अकाउंट है उसका स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा, तो वहां पे आप लोगों को बेनिफिट होने की जगह डिसएडवांटेज हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, वो वीडियो देख लेना, वहां पे बेसिक्स एडवांस लेवल में काफी सारी चीजें मैंने बताई हुई, तो उस वीडियो को प्रिफर कर लेना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता फ्रेंड, ये सेकंड नंबर का पॉइंट था। तो मैं थर्ड पॉइंट की तरफ मूव ऑन फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को बता जो तीसरे नंबर था ट्रेंडिंग टॉपिक वीडियोस। अब आप लोगों में तो काफी लोगों को डाउट है कि ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता जो पहले के भी काफी सारे वीडियोस में बता रखा हूं कि कैसे आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड कर सकते हैं, उस पर आप लोगों को वीडियोस बनाना होगा। ट्रेंडिंग टॉपिक का ये मतलब नहीं था कि कुछ भी ट्रेंड करा उस पर वीडियो बना दो, ट्रेंडिंग टॉपिक का ये मतलब था जो भी नीच पे आप लोग काम करें वहां पे क्या कुछ ट्रेंड करा। जैसे मेरा नीचे इंस्टाग्राम रील्स के बारे में, तो मैं देखूंगा इंस्टाग्राम रील्स में क्या कुछ नया है उस पर वीडियोस बनाऊंगा। इसी तरीके से आप लोगों का नीच अलग हो सकता है, काफी लोग गैजेट पे वर्क करते हैं तो उस पर आप लोगों को देखना होगा कौन सी मोबाइल लॉन्च हो रही, कौन सी फोन लॉन्च हो रही, उस तरीके का आप लोगों को कैटेगरी डिफाइन करना होगा। जिस भी कैटेगरी में आप लोग काम करते हैं वहां पे देखो कि ट्रेंड क्या कर रहा है। गूगल ट्रेंड यूज कर सकते हैं, यूट्यूब यूज कर सकते हैं, सिंपली आप लोग गूगल पे भी सर्च करो जिसके न्यूज सेक्शन पे जाकर देख सकते हैं, तो वहां पे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उस पर वीडियोज बनाने का ट्राई करो। या सिंपली अगर आप लोग ये नहीं कर पा रहे तो सिंपली क्या करना, आप लोगों को जो भी टॉप मोस्ट क्रिएटर उनके वीडियोज को देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, उस पर भी वीडियोज आप लोग बना सकते, वो भी वीडियोज वायरल होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। उसी तरीके की वीडियो सेम आप लोग भी पोस्ट कर सकते, उससे बेटर क्वालिटी में आप लोग पोस्ट कर सकते। ये देख सकते हैं कि कैसे मैं उससे कम सेकंड में काफी अच्छी क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड कर पा रहा हूं। तो यहां पे मैं आप लोगों को बता चुका हूं तीसरे नंबर था ट्रेंडिंग टॉपिक, इस पे भी आप लोगों को काफी ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप लोग अपने खुद के वीडियोस को इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल कराना चाहते हैं तो ट्रेंडिंग टॉपिक को कभी भी मिस मत करना, क्योंकि आप लोगों को पता ट्रेंडिंग टॉपिक की सर्चेस काफी ज्यादा तो काफी ज्यादा लोगों तक रीच जाती है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं ट्रेंडिंग टॉपिक को कभी भी मिस मत करना, जिस भी नीच पे आप लोग काम करें उसके बारे में पढ़ते रहो, एक्सप्लोर करते रहो, देखते रहो कि क्या कुछ नया चल रहा है, क्योंकि अगर आप लोग मिस कर देते हो तो वहां पे आप लोग एक अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर देते हो। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप लोग अपने खुद के वीडियोस को वायरल करना चाहते हो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, ट्रेंडिंग टॉपिक को कभी भी मिस मत करना। अगर आप लोग ऐसा करते तो आप लोग एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं थोड़ा सा एक्सप्लोर करते रहो, टाइम स्पेंड करो, तो काफी सारी चीजें आप लोगों को खुद ब खुद पता लग जाएगी, पता लगने लग जाएगा क्या कुछ नया चल रहा, किस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं तीसरे नंबर का पॉइंट था कि ट्रेंडिंग टॉपिक भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप लोग अपने खुद के वीडियोस को इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल कराना चाहते हो। तो मैं चौथे और लास्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुका चौथे नंबर था प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ जो मैं अपने क्लाइंट से शेयर करता हूँ, तो मैं आप लोगों को बता चुका सिंपली आप लोगों को करना क्या, सबसे पहले तो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बना लो, उसकी एक लिस्ट बना लो, एक्सेल पे एक पूरी लिस्ट बना सकते हो किस किस तरीके की प्रॉब्लम लोगों को आती है, उसको मैं कैसे सॉल्व आउट कर सकता हूँ। इस तरीके की आप लोग एक लिस्ट बनाओ और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों को टॉपिक नहीं मिला तो आप लोग क्या करो, अपने नीच के हिसाब से टॉप 10 जो टॉप मोस्ट क्रिएटर उनके अकाउंट को फॉलो करो। आप क्या करो, वहां पे थोड़ा सा रिसर्च का पार्ट आ जाता है, उनके कमेंट पे जाओ, वहां पे देखो लोग किस तरीके का कमेंट कर, उनके क्वेश्चन उठाओ, वहां पे किस तरीके के लोग कमेंट करें, किस तरीके का उनका प्रॉब्लम आ रहा है, उस तरीके का आप लोग वहां पे रिप्लाई करना स्टार्ट कर दो। बताओ कि हां मेरे अकाउंट पे इस तरीके की वीडियोस है, उस तरीके की वीडियोस आप लोग बना सकते हो। तो अगर आप लोग ये स्ट्रेटेजी अपना पाते तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली के साथ बोल रहा था 15 दिनों में आप लोगों को ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आप लोग खुद से शॉक हो जाओगे कि ये क्या कर दिया मैंने। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारी चीजें मैं अपने लोगों से शेयर करता हूं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उन लोगों को मैं बताता हूं इस तरीके की चीजें वर्क करो। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बताने जा रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं इस तरीके की भी स्ट्रेटेजी आप लोग अपना सकते हो जो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है अगर आप लोग अपने खुद के वीडियोस को वायरल कराना चाहते हो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, तो ये भी स्ट्रेटेजी आप लोग अपना सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, मैं आप लोगों को बता चुका। अब मैं आप लोगों को एक बोनस टिप्स दे देता हूँ जो कि लास्ट में मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो मैं आप लोगों को बता चुका। अगर मैं बोनस टिप्स की बात करूं तो मैं आप लोगों को बता चुका, अगर आप लोगों का एक कॉमेडी चैनल है तो मैं आप लोगों के लिए बोनस टिप्स ये देना चाहूंगा कि सिंपली आप लोगों को करना क्या, स्टोरी बेस्ड कंटेंट बनाने का ट्राई करो, क्योंकि स्टोरी बेस्ड कंटेंट काफी ज्यादा वायरल होते हैं। डेफिनेटली के साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी अगर आप लोग वहां पे कुछ भी यूज नहीं करते, केवल कंटेंट लिख के छोड़ देते हो, तो भी आप लोगों को जो भी वीडियो वो काफी ज्यादा लोगों तक जाएगी, वहां पर रीच काफी ज्यादा मिलेगी। तो स्टोरी बेस्ड कंटेंट बनाने का ट्राई करो, अगर आप लोग वीक में एक स्टोरी बेस्ड कंटेंट बना देते हो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रीच काफी ज्यादा आने लग जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊं जो बोनस टिप्स में ये आप लोगों के लिए लेके आया था कि स्टोरी बेस्ड कंटेंट भी आप लोगों को बनाने का ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं बात करूं कि कैसे आप लोग अपने खुद के वीडियोस को वायरल करा सकते इंस्टाग्राम रील्स में, हाउ टू वायरल वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम रील्स, तो ये चार पॉइंट था जिसपे आप लोगों को काम करना। अगर आप लोग इन चारों पॉइंट पे काम करते हो तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली के साथ बोल सकता हूँ जो भी आप लोगों के अकाउंट है, जो भी आप लोग वीडियोस वायरल कराना चाहते हो, वो वहां पे काफी ज्यादा रीच वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा और वो वीडियो
वीडियोस वायरल भी होंगी, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोगों को लगता है इस पॉइंट के अलावा कुछ और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना, अगर लगेगा उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए तो आने वाले वीडियो में उस पॉइंट को भी कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को लगता है इस चार पॉइंट के अलावा कुछ और पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहिए तो मैं आप लोगों को बता दूं, नीचे कमेंट करके बता देना, आने वाले दिनों में उस पॉइंट को भी कवर कर लेंगे, उसके बारे में भी समझ लेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं इन चार पॉइंट में से कौन से पॉइंट पे आप लोग पहले काम स्टार्ट करोगे वो भी आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों को देखना चाहूंगा कि कौन सी पॉइंट पे आप लोग पहले काम स्टार्ट करें। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है, कभी भी डाउट आ रहा है, आप लोगों को लगता है मुझे इस पे डाउट आ रहा है, मुझे इसको समझना चाहिए, तो सिंपली कुछ मत करना, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, पर्सनली मैं आप लोगों से कनेक्ट हो जाऊंगा, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे दूंगा। तो फ्रेंड ये थोड़ी सी बात थी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था ताकि आप लोग इस तरीके की बातों से अपडेट रह सको। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक अपने आस पास सफाई रखें, अपने छोटे बड़ों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।